आप सभी का स्वागत है आज के ब्लॉग में। दोस्तों आज हम देखेंगे सर शिव सागर राम गुलाम बोटानिक गार्डन जो पॉम्प्लेमौसेस में है, और इसमें घुसने के लिए मॉरिशस पर्यटकों के लिए 2500 रुपये है और विदेशी पर्यटकों के लिए 200 रुपये एंट्री फीस देना पड़ता है। दोस्तों जैसे ही गेट से आप घुसेंगे तो यहाँ पर पहुँचेंगे। दोस्तों अगर यहीं से राइट में जाएंगे तो सर शिव सागर राम गुलाम जी की समाधि है, और यहीं से अगर आप लेफ्ट में जाएंगे तो यहाँ पे बत्तख और कछुए और हिरण देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे चलते हैं।
सागर राम गुलाम हिंदी भाषा से बेहद प्रेम करते थे और इसी प्रेम की वजह से आज फिनिक्स शहर में विश्व हिंदी सचिवालय है जो मौसम और भारतीय सरकार के सहयोग से। दोस्तों सर शिव सागर राम गुलाम का यहीं पे समाधि है और उनकी याद में एक स्मारक बनाया गया है जहाँ पे एक सुंदर कमल का फूल है और इसे देखने के लिए काफ़ी पर्यटक आते हैं यहाँ पे। दोस्तों सर शिव सागर राम गुलाम रानी गार्डन में एक अशोका और एवन नाम का पेड़ है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लगाया था। चलिए आगे चल कर देखते हैं। बगीचे के बीच में एक छोटा सा तालाब है जिसमें श्वेत कमल, नील कमल और कुंडरी के पत्ते इस तालाब की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। दोस्तों ये बगीचा दुनिया के अच्छे बागों में गिना जाता है और इसकी एक विशेषता है कि इसमें लाखों प्रकार के पेड़ हैं और इसे देखने के लिए दुनिया से बहुत सारे पर्यटक आते हैं। तो चलिए चलकर देखते हैं।
नाम है तालिपोन और इसमें 100 साल में एक बार फूल खिलते हैं और जब भी इसमें फूल खिलते हैं दुनिया से प्रकृति के प्रेमी इसे देखने के लिए आ जाते हैं। तो चलिए हम भी इसे देखते हैं। वाले रास्ते में घुसते हैं तो आप सर शिव सागर राम गुलाम जी की समाधि के पास पहुंचेंगे और अगर आप सीधे आएंगे तो इन बतखों के पास आएंगे। एक छोटा सा तालाब है, इसमें बहुत सारे बतख हैं जो लाल सफ़ेद काले बतख हैं